भगवान विष्णु की कृपा से बलराम को कंस से बचा सभी गोकुलवासी सकुशल गोकुल लौट जाते हैं। गोकुल के वापसी मार्ग में यमुना तट पर जल पीने आए कान्हा तथा उनके सखाओं को एक सुंदर मटका मिलता है तथा कान्हा के सखा उसे देख भयभीत हो जाते हैं। भयभीत सखा कान्हा को बताते हैं कि मटके के रूप में गोकुल में एक और असुर प्रवेश कर चुका है। कंस वसुदेव तथा अक्रूर के मध्य गदा युद्ध की घोषणा करता है। कान्हा मटकासुर को खोजने हेतु गोकुल की सभी मटकियां फोड़ देते हैं। गोपियों के उपालंब से बचने हेतु कान्हा माता यशोदा को पहले ही अपने पक्ष में कर लेते हैं। तुम्हारा लल्ला तुम्हारे लाल प्यार में इतना बिगड़ जाएगा। देखा मैया, अब ये कहेगी कि मैंने मटकी फोड़ी है। हाँ नंदरानी, भले तुम्हारे लल्ला की हमारी मटकियों से ऐसी कौन सी शत्रुता है जो आज इसने हमारी सारी मटकियाँ तोड़ दी। यही बात तो मैं समझ नहीं पा रही कि तुम लोगों की मेरे लल्ला के साथ ऐसी क्या शत्रुता है कि जब देखो तब उस पे झूठे आरोप लगाती रहती हूँ। अरे मटकियाँ तो दूर, मेरा लल्ला तो घर का एक दिया तक नहीं तोड़ता। नंदरानी, तुम कान्हा का चाहे कितना भी बचाव कर लो किंतु इससे सत्य नहीं बदल जाएगा। देखा मैया, अभी कह रही है कि मैंने मटकी फोड़ी। नंदरानी, आज तो केवल हम कह रही हैं, कल सारा गोकुल कहेगा कि तुम्हारा लल्ला मटकी तोड़ है। हाँ, हाँ, हाँ। अरे तुम तो क्या, यदि पूरा संसार भी आके मुझसे ये कहेगा ना, तब भी यशोदा ये बात नहीं मानेगी, क्योंकि यशोदा अपने लल्ला को अच्छी तरह से जानती है। मेरा लल्ला जो भी करता है वो सबके हित के लिए करता है। देखना मैया, अभी बोलेगी कल मैं किसका हित कर रहा था। नंदरानी, यदि तुम्हें अपने कान्हा पर इतना ही विश्वास है ना, तो पूछो इससे कि कल दिन भर वो किसका हित कर रहा था। गोपिया, तुम सब धन्य हो कि प्रभु ने तुम्हारी मटकी तोड़ दी है। इस मटकी को फोड़ने का अर्थ नहीं समझ रही हो तुम। इन मटकियों को फोड़ने में प्रभु ने तुम्हारे जन जन्मांतर के पाप का नाश कर दिया है, कष्टों से तुम्हें मुक्ति दे दी है, जिन्हें तुम मटकी के रूप में अपने सिर पर लेकर घूम रही थी। मैया, यदि इन गोपियों ने मुझे दोषी मान लिया है तो उन्हें समझाने का क्या लाभ। मैया गोपिकाओं, यदि तुम्हारी प्रसन्नता मुझे दंड देने में ही है तो चाहे मैंने अपराध किया हो अथवा नहीं, किंतु तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं कोई भी दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। नहीं लल्ला, सांच को आँच नहीं होती। मैं भी देखती हूँ कि मेरे लल्ला को कोई कैसे दंड देता है। गोपिकाओं, आज तो मैं तुम्हें क्षमा कर दे रही हूँ। यदि आज के बाद मेरे लल्ला पे किसी ने मिथ्या आरोप लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। गोपी, जब तक मेरी मैया मेरे साथ है, तुम कितना भी प्रमाण जुटा लो, मुझसे नहीं जीत सकती। मैया, मुझे अत्यंत भूख लगी है, तुम इन गोपियों को समझाओ, तब तक मैं माखन खा के आता हूँ। नंदरानी की आंखों पर तो कान्हा के प्रेम का आवरण पड़ा है। हाँ बहन, अब अपनी ही दही को कौन खट्टा कहेगा। चलो चलो बहनों, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी यशोदा से कान्हा की शिकायत करके। चलो जाओ जाओ, वैसे भी सत्य के आगे झूठ अधिक देर तक नहीं टिकता। बड़ी आई मेरे लल्ला पे आरोप लगाने वाली। काकी, गोपियां झूठ नहीं बोल रही, गोपियां सत्य बोल रही हैं कि पूरे गोकुल की मटकियां कान्हा ने ही तोड़ी हैं। राधा बिटिया, आप भी गोपिकाओं की बातों में आ गई। नहीं काकी, हम राधा हैं, हम बिना प्रमाण के कुछ भी नहीं कहते। ये तो अनर्थ हो गया। नंद रानी को भी विश्वास हो गया कि मटकियां मेरे प्रभु ने तोड़ी हैं, जबकि इसमें प्रभु का कोई दोष नहीं है। काका, मैं चाहती हूं कि अक्रूर जी की मृत्यु हो जाए। अक्रूर जी को कोई ऐसी औषधि देकर इस पीड़ा से सदा के लिए मुक्त कर दीजिए। अक्रूर जी, एक वैद्य के नाते मेरा धर्म आपको जीवन देना है, किंतु आज मैं आपको मृत्यु दे रहा हूं, मुझे क्षमा कर देना अक्रूर जी।
चल। भैया ये क्या कर रही हो? मेरा माखन। लल्ला मुझे सब पता चल चुका है। दिवाली के पावन उत्सव में तूने इतना बड़ा नष्ट कर दिया, गोकुल की सारी मटकियां तोड़ दी। नहीं तोड़ी। लल्ला बस, आज मैं तुझे ऐसा दंड दूंगी ना कि पूरा ब्रज मंडल याद रखेगा कि यशोदा ने कान्हा को क्या दंड दिया था। चल। विश्वास तोड़ा है। अब दीपावली के पूरे पर्व तक तू यहाँ ऐसे ही बंधा रहेगा और ना तुझे भोजन मिलेगा और ना जल। समझा? मैया, अगर मैं यहाँ बंधा रहूंगा तो अब राम सीता की कथा कैसे सुनाओगे? मैया किसी को भी सुनाऊ इससे तुझे क्या? तू चाहे राम सीता की कथा सुने अथवा ना सुने किंतु किसी की मटकी नहीं फोड़ पाएगा। हे प्रभु, अपने भक्त को मुक्ति दिलाने के लिए आपने स्वयं को ओखल से बंधवा दिया? नहीं प्रभु नहीं, अब चाहे मुझे अभिशप्त जीवन ही क्यों ना जीना पड़े, मैं अपना भक्त धर्म निभाकर ही रहूंगा। नंद बाबा, मेरा मन तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि कान्हा कोई भूल कर सकता है। मित्र, अवश्य इसके पीछे कोई ऐसा कारण है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कान्हा जो भी करता है वो गोकुल और गोकुल वासियों की भलाई के लिए ही करता है। ये बात इन गोपियों को कौन समझाए? इन्हें तो कोई ना कोई बहाना चाहिए लड़ने का। बिना कुछ सोचे समझे पहुंच गई नंद रानी के पास कान्हा की शिकायत लेके। और तुम लोगों को आभास भी है, तुम्हारे कारण नंद रानी ने कोमल से कान्हा को ओखल से बांध दिया है। और मैं तो कहती हूँ तुम सबको जाकर कान्हा से क्षमा मांगनी चाहिए। नहीं काकी, भूल कान्हा से ही हुई है और यशोदा ने उसे दंड भी दे दिया है। गोले, यदि हम चाहें तो तुम्हें इन बंधन से मुक्त कर सकते हैं, किंतु सबसे पहले तुम्हें अपना अपराध स्वीकार करना होगा। मैंने कोई अपराध नहीं किया है गोपी। हमने तुम्हें धनुष बाण के साथ देखा था, रात्रि में तुम मटका फोड़ने जा रहे थे। मटकी नहीं गोपी, मटका सुर। मटका सुर? हाँ हाँ, मटका सुर। किंतु उस दिन तो तुमने हमसे कहा था कि तुम मटका सुर के विषय में कुछ नहीं जानते। क्योंकि उस समय मुझे मटका सुर के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं थी, किंतु कल रात्रि में मैंने मटका सुर को देखा है। रुक जाओ वाले। छड़ी कहाँ से आ गई? अरे ये मटका सुर कहाँ गया? अब हम पूरे गोकुल को यह सत्य बता के ही रहेंगे कि तुम ही हो गोकुल के मटकी फो। गोपी, अरे गोपी, ये गोपी भी ना मटका सुर से भी बड़ा संकट है। इससे पहले किसी और को मेरा सत्य बताए, उसे ढूंढना होगा।
किंतु उस समय तुमने मेरी बात सुनी नहीं और इसका लाभ उठा के मटका सुर भाग गया। अच्छी तो टकल लेते हो तुम गोले। राधा, काना ने तो अपनी भूल स्वीकार कर ली। चलो अब काना को ओखल से खोल देते हैं, क्योंकि मुझे काना को ओखल से बंधा हुआ देखा नहीं जा रहा। गोले, ललिता कह रही है इसलिए हम तुम्हें कुछ देर के लिए खोल देते हैं, ताकि तुम थोड़ी देर विश्राम कर लो, उसके बाद हम पुनः बांध देंगे। ये मेरी मैया का बंधन है, मैं इससे तब तक बंधा रहूंगा जब तक मैया स्वयं आके मुझे नहीं खोल देती। भागो! गोकुलवासियों, भय से भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब बाहर आइए। आइए सब मिलकर से बता देते हैं कि गोकुल में असुरी शक्ति का कोई स्थान नहीं है। आइए सब बाहर। ये तो मेरी ओर ही आ रहे हैं, लेकिन मैं यहां किसी का अहित करने तो नहीं आया हूं। मैं तो केवल अपने प्रभु पर लगे हुए लांछन को दूर करने आया हूं। सारे मिलकर फोड़ दीजिए इस मटकी को। वो रहा मटकासुर। दामोदर, क्या हुआ? नंद बाबा, लगता है वो मटका वाला असुर गोकुल छोड़कर मेरे डर से भाग गया, क्योंकि मैं हूं दामोदर, ना कोई भय ना कोई डर। नहीं दामोदर, असुर इतनी आसानी से हार नहीं मानते, वो पलट कर वार अवश्य करेंगे, हमें चौकन्ना रहना होगा। यदि मटका सुर है तो इसका अर्थ ये हुआ कि कान्हा मटकियां नहीं फोड़ रहा था। वास्तव में कान्हा उस मटका सुर का अंत करने का प्रयास कर रहा था, हम सब समझ ही नहीं पाए। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारा काना जो भी करता है हम सबकी भलाई के लिए कर रहा है, और यदि ये बात तुम लोगों की समझ में आ गई है तो जाओ, जाकर नंद रानी से क्षमा मांगो। जाओ सब। मेरे कारण मेरे प्रभु पर लगा हुआ लांछन धुल गया है, अब मुझे मेरे प्रभु के सम्मुख जाना है। त्रेता युग में प्रभु ने मुझे वर दिया था कि द्वापर युग में उनके बाल रूप द्वारा मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। हे प्रभु, आपका भक्त केवट आपकी शरण में आ रहा है। मैया मुझसे रुष्ट नहीं है, ये मैं जानता हूँ, किंतु अपनी भूख को कैसे समझाऊं? मेरी भूख है कि बढ़ती जा रही है, और मैया है कि आई नहीं रही। ये सब इस नच्छड़ी गोपी के कारण हो रहा है। मुझे जितनी उसे दाने की चिंता इस गोपी को है ना, उतनी तो मैया भी नहीं करती होगी। दीपावली के दिन मैया कितने अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, किंतु जब तक ये आ रहेगी ना, तब तक मुझे माखन भी नहीं मिलेगा। कुछ भी करके मुझे इस गोपी को यहाँ से भेजना ही होगा। गोपी, ओ गोपी, यहाँ आओ। गोपी, तुमने अपनी काना को कोल से बंधवाई दिया है, अपनी सखियों को क्यों दंड दे रही हो? ग्वाले, तुम कहना क्या चाहते हो? ग्वाले, गोपी, हमारी सखियाँ पहली बार गोकुल आई है, उन्हें गोकुल दिखाओ, उन्हें भी तो पता चले कि दिवाली गोकुल में कितने प्रेम और प्रसन्नता से मनाई जाती है।
काना, तुम कितने अच्छे हो। हमारे सखी के कारण तुम बंधन में पड़ गए, तभी भी तुम हमारे ही आनंद के बारे में सोच रहे हो। ललिता, मैं ऐसे ही हूँ, मुझे दूसरों के आनंद में ही आनंद मिलता है। और हमें आनंद मिलता है तुम्हें सुधारने में, क्यों सखियों? राधा, मुझे तो काना को बंधन में देखकर कोई आनंद नहीं आ रहा है। ललिता, यदि तुमने काना का और पक्ष लिया ना, तो हम भी तुम्हें इस उखल से बांध देंगे। नहीं नहीं, इससे तो काना को और ऑप्शन मिल जाएगा तुम्हें भ्रमित करने का, और हम अपनी सखियों को भ्रमित नहीं होने देंगे। हम तुम्हें काना से दूर कर देंगे। राधा, राधा की सखियों, यहाँ आओ। तुम सबको भूख लगी थी ना, मैंने तुम सबके लिए स्वादिष्ट मालपुए बनाए। गोपी, तुम्हें मालपुए पसंद है ना? मेरी मैया बहुत अच्छे मालपुए बनाती है। पूरे ब्रज मंडल में मैया जैसे मालपुए कहीं नहीं है। काकी, इनकी तो सुगंध से ही हमें भूख लगाई। मैया, मुझे भूख लगी। मैया, अपने लल्ला को माखन नहीं खिलाओगी? मैया, मैया तुम नहीं कहोगी आज तुम्हारे लल्ला ने चूहे से माखन नहीं खाया? मैया, मुझे मालपुई खिला दो। मैया, बहुत भूख लगी। पूरे गोकुल की मटकियां ही नहीं, यशोदा काकी का विश्वास भी तोड़ा है। आज वो तुम्हारी मक्खन चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली, क्या समझे? चलो सखियो, मालपुए खाते हैं। मैं अपनी मैया का लल्ला हूँ, किंतु मैं मैया को समझाऊं तो समझाऊं कैसे? नारायण नारायण। माते, आज तो प्रभु की कोई भी युक्ति काम नहीं कर रही है। कहा प्रभु भक्तों की परीक्षा लेते हैं, किंतु आज आपके लीला के कारण प्रभु स्वयं परीक्षा दे रहे हैं। माते देवी, लीला की आवश्यकता वहां होती जहां भ्रम होता है, किंतु यहां मैया के प्रति कान्हा के हृदय में और कान्हा के प्रति मैया के हृदय में प्रेम ही प्रेम है, और प्रेम की अभिव्यक्ति लीला से नहीं अपितु सच्चे भाव से होती है। देव, जग के बंधन खोलने वाले ओखल में अब जाए बंधे हैं। जग के बंधन खोलने वाले प्रेम डोर का बंधन ऐसा मैया के हाथों आए बंधे हैं। हो कल्याण जगत का जिसमें प्रभु वो लेके उपाय बंधे हैं। मुक्त करे ऐसे प्रभु अपने भक्त का होके सहाय बंधे हैं। नारायण नारायण। प्रभु जो स्वयं जगतपति, जो संसार के सभी जीवों का भरण पोषण करते, आज वो स्वयं मैया से भोजन की याचना कर रहे हैं। किंतु प्रभु, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि भला नंदलाल को इसकी क्या आवश्यकता है। नास्ति मात्री समागति, नास्ति मात्री समंतरा, नास्ति मात्री समाप्रिय, अर्थात माता के समान ना कोई छाया है, ना कोई सहारा, ना कोई रक्षक, और माता के समान ना कोई प्रिय है। संसार का सारा भोजन भी मेरी वह तृष्णा नहीं मिटा सकता जो मैया के हाथों द्वारा खिलाया गया अन्न का एक दाना मिटा सकता है। नंदलाल भी
अन्न के उसी एक दाने के भूखे हैं देवऋषि। नारायण नारायण, सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। माता की महिमा को और आप दोनों के प्रेम को भी मैं समझ गया। नारायण नारायण। यशोदा दीदी, ये क्या किया आपने? आज दीपावली है और आपने सुबह से ही कान्हा को ओखल से बांध के रखा है। आज त्योहार के दिन आप भी रो रही हैं और कान्हा को भी रुला रही हैं। दीदी, यदि कान्हा माखन भी चुराएगा ना, तो उसमें भी सबका हित ही होगा। दीदी, कान्हा पर क्रोध करने का आपका पूरा अधिकार है, किंतु भोजन से कैसा बैर? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है और कान्हा ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। लाइए, मुझे भोजन दीजिए, मैं कान्हा को भोजन खिलाकर आती हूँ। जैसी हटी मैया, वैसे ही हटी कान्हा। नंदरानी, गोकुल की सारी गोपियां आपसे मिलने के लिए आई हैं। मेरी लल्ला को ओखल से बनवाकर इन्हें चैन नहीं मिला, उन्हें आ गई मेरी लल्ला की शिकायत लेकर। अभी देखती हूँ कौन मेरी लल्ला पे उंगली उठाता। प्रभु, मैं अपनी अज्ञानतावश आपको मुक्त कराने चला था, किंतु मैं भूल गया था कि आप ही समस्त सृष्टि के रचेता हैं। सारी सृष्टि आप ही की माया है, आपकी लीला से कुछ भी मुक्त नहीं है। प्रभु, गोपिका अब क्यों रो रही है? अब तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए ना। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मेरा लल्ला ओखल से बंधा है, सुबह से भूखा प्यासा। क्यों आई हो आप? और क्या चाहिए? तुम्हारी मटकी फूटने का दुख अभी तक समाप्त नहीं हुआ, या फिर और दंड लाना चाहती हो मेरे लल्ला को? नंदरानी, हमें क्षमा कर दो। नंदरानी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। गलती? कैसी गलती? नंदरानी, कान्हा ने हमारे मटके अवश्य तोड़े थे, किंतु दंडतावश नहीं, बल्कि गोकुल की रक्षा के लिए। गोकुल की रक्षा कर रहा था? क्या कहना चाहती हो तुम लोग? नंदरानी, मटकासुर सच में है, आज हम सब ने उसे अपनी आंखों से देखा। हाँ हाँ नंदरानी, कान्हा हमारी मटकियां नहीं तोड़ रहा था, वो तो मटकासुर को ढूंढ रहा था। कान्हा निर्दोष है नंदरानी। यदि मटकासुर सचमुच में है तो हमें क्यों नहीं दिखता? क्या काकी, कान्हा निर्दोष है? हाँ नंदरानी, कान्हा निर्दोष है। कान्हा निर्दोष है नंदरानी। गोपिका, तुम्हें अब भास भी कि तुमने कितनी बड़ी नासमझी की। तुम्हारी नासमझी की वजह से मैंने मेरे लल्ला को दंड दिया। तुम्हारी नासमझी की वजह से मेरा लल्ला ओखल से बंधा। तुम्हारी नासमझी की वजह से सुबह से भूखा प्यासा मैं तुम लोगों को कभी क्षमा नहीं करूंगी, कभी नहीं। मैया, क्या हुआ? मैया, तुम रो क्यों रही हो? लल्ला, लल्ला मुझे क्षमा कर दे। लल्ला, गोपियों के बहकावे में आके मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपने लल्ला को इतना बड़ा दंड दे दिया, मुझे क्षमा कर दे। नहीं मैया, ये तो तुम्हारा प्रेम था और मुझे इसका कोई दुख नहीं, किंतु तुम रो रही हो ना मैया, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। लल्ला,
मैं तुझसे बार बार रुष्ट हो जाती हूँ ना, किंतु किंतु तू अपनी मैया से कभी कुपित मत होना लल्ला। अपनी मैया को क्षमा कर दे लल्ला, क्षमा कर दे। मैया मुझसे क्षमा मत मांगो, पहले मुझे इस बंधन से तो खोलो मैया। जब तक तुम मुझे खोलोगे नहीं, मैं तुम्हें हृदय से कैसे लगाऊं? हाँ लल्ला, अभी खोलती हूँ तुझे। नारायण नारायण, प्रभु नंदलाल के इस परिहास में भी कितना बड़ा सत्य छुपा हुआ है, क्योंकि संसार में घटने वाली प्रत्येक घटना के केवल आप कारण होते हैं प्रभु, उसे करते नहीं। आप सत्य कह रहे हैं देवऋषि, कर्म तो मनुष्य को ही करना पड़ता है, और जब कर्मों के कारण मनुष्य मुझे स्वीकार कर फल की चिंता किए बिना कर्म करता है, तो वह ही मेरी सर्वश्रेष्ठ भक्ति होती है देवऋषि। कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मानते संगोस्तव कर्मणि। नारायण नारायण, सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। लल्ला मत मैया, मैंने तो पहले ही कहा था दोष ना गोपियों का है ना मेरा, दोष तो मटकों का है जो मेरे गुलेल चलाते सामने आ गए। मैं तो बस मटके फूटने का कारण बन गया मैया। लल्ला मुझे तेरी ये सब बातें समझ नहीं आती, किंतु मुझे इतना अवश्य पता है कि तुझे उकल से बांधकर मैंने बहुत बड़ी भूल की। मैया यदि अपराध हुआ है कभी प्रायश्चित कर लो अपने लल्ला को अपने हाथों से दिवाली की पकवान खिला के। काना, ओ राधा के काना, काना ओ काना, देखो हम तुम्हारे लिए बरसाना के पेड़ लेकर आए हैं। हम जानते हैं कि गोकुल के समान कोई माखन नहीं, किंतु हमारे बरसाना के पेड़ के बराबर भी पूरे ब्रजमंडल की कोई मिठाई नहीं। हाँ, और नहीं तो क्या, हम ये पेड़ तुम्हें खिलाएंगे, और इस पेड़ों को खाने के बाद तुम कभी यशोदा मैया को दुखी नहीं करोगे। लाओ मौसी दो हमको ये पेड़ी। वाले यदि तुम हमें पहले से ही मटकासुर के बारे में बता देते तो तुम्हें इस ओखली में नहीं बंधना पड़ता। यदि राधा का सखा बनकर रहना है तो सत्य बोलने की आदत डाल लो वाले, क्योंकि हम राधा हैं और हम हमेशा सत्य बोलते हैं। यशोदा दीदी चलिए रामायण पाठ का समय हो गया है, आज हम आपके मुख से रामायण का पाठ सुनेंगे। हाँ कीर्ति बहन चलो, राधा लल्ला चलो, भोजन के पश्चात मैं तुम दोनों को राम कथा सुनाऊंगी, क्योंकि राम कथा घर पर कहने से घर के सभी दोष दूर हो जाते। ये तो अच्छा है भैया, किस गोपी को अपनी भूल सुधारने का अवसर मिल जाएगा मैया। ग्वाले भूल तो हम तब स्वीकार करेंगे ना जब हमसे कोई भूल हुई हो। हम ये मानते हैं कि तुम जो कर रहे थे सबकी भलाई के लिए कर रहे थे, किंतु तुम्हारा तरीका सही नहीं था। ग्वाले गोपी तुम कुछ भी कहो, किंतु आज तुम्हें स्वीकार करना ही होगा, आगे से तुम ऐसी भूल नहीं करोगी। ग्वाले जब तक हम तुम्हें सुधार नहीं लेते हैं हम ऐसी भूल करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। अपना युद्ध अभ्यास तुम लोग बाद में कर लेना, पहले चलो भोजन करके मैं तुम दोनों को कथा सुनाती हूँ। आज दीपावली है और दीपावली के शुभ अवसर पर हमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ गोकुल में कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटनी चाहिए। हम नहीं जानते कि मटकासुर कहाँ है, किंतु इतना अवश्य जानते हैं कि उसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और इसीलिए वो अवश्य लौटेगा, और इस बार हमें उसे बचकर भागने नहीं देना है। समझ गए? क्या हुआ, आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं?
भगवान राम का निर्णय अटल था माता कैकेयी को दिए हुए वचन का पालन करने के लिए प्रभु राम ने राजपाट छोड़ने का निर्णय ले लिया और तब माता कौशल्या ने कहा सरल स्वभाव राम महतारी बोली बचन धीरे धीरे भारी तात जाओ बलि किनेहु नीका पितु आयसु सब धर्म कटीका जय केवल पितु आयसु ताता तै जनी जाहु जनी बड़ी माता जय पितु मातु कहेउ बन जाता तय कानन साथ अवध समना और इस प्रकार माता कौशल्या ने भी प्रभु राम के वन जाने के निर्णय को सर्वोपरि माना और बोली कि पुत्र सबके लाभ के लिए लिया गया तुम्हारा ये निर्णय सर्वोपरि और यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे तुम जैसा पुत्र मिला। काकी, तब देवी सीता ने क्या निर्णय लिया? निर्णय तो हो चुका था राधा। श्री राम को वन में जाना था और देवी सीता को माता पिता की सेवा करने के लिए महल में रहना था क्योंकि वनवास केवल श्री राम को मिला था ना कि देवी सीता को। किंतु यदि हम सीता होते तो हम भी प्रभु श्री राम के साथ वनवास जाते। ॐ जय श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण।